स्टूडेंट आप प्लेलिस्ट में जाकर मेरी सभी वीडियोस को देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने सभी प्लेलिस्ट को टॉपिक वाइज अरेंज कर रखा है, सो आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट की कंप्लेन आती है सर ये टॉपिक नहीं मिल रहा है या वो टॉपिक नहीं मिल रहा, तो आपको यहाँ पे बिल्कुल टॉपिक वाइज मैंने प्लेलिस्ट को अरेंज कर रखा है, सो आप यहाँ पे जाके मेरी सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आज मैं आपके सामने स्टार्ट करने वाला हूं जो मैंने डिस्क्रीट बाइवेरिएट रैंडम वेरिएबल के बारे में आपको थ्योरी समझाई थी, उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन मैंने बताया था। अब मैं आपके सामने कुछ और क्वेश्चंस लेके आया हूं जहां पे हम लोग ये डिस्कस करेंगे कैसे हम कंडीशनल पी एम एफ ऑफ एक्स वाई निकालेंगे, मार्जिनल पी एम एफ ऑफ एक्स वाई निकालना, कॉन्स्टेंट की वैल्यू निकालना, सो इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट। तो मैं आपको बता दूँ कि इससे पहले मेरे जितने भी वीडियोज़ हैं यहाँ पे आई टेप पे अपलोड है, और स्टूडेंट इससे पहले वाला जो वीडियो वो भी आप प्लीज़ जाके देख लें, उसके बाद इसको देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, नहीं तो थोड़ी दिक्कत आएगी ना, तो प्लीज आप वो पहले देख लें उसके बाद फिर इसको समझें, राइट। सो क्वेश्चन है द जॉइंट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ एक्स वाई इज गिवन बाय दिस, आपको ये दे रखा है ना, जहां पर एक्स की वैल्यू दे रखी है 0, 1, 2 और वाई की वैल्यू दे रखी है 1, 2, 3। फाइंड, आपको के की वैल्यू निकालनी है, मार्जिनल पीएमएफ ऑफ एक्स निकालना, मार्जिनल पीएमएफ ऑफ वाई निकालना, कंडीशनल पीएमएफ ऑफ एक्स गिवन वाई इज इक्वल टू 1, कंडीशनल पीएमएफ ऑफ वाई गिवन एक्स इज इक्वल टू 2 एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स प्लस वाई, ये सब आपको यहाँ पे करना है। तो स्टूडेंट कैसे करेंगे मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन आपको दे रखा है तो यहाँ पे मैंने आपको बोला एक टेबल बनानी है आपको, है ना, जो मैंने आपको पहले भी बताया था स्टूडेंट, इससे पहले एक क्वेश्चन बताया था उसके अंदर यहाँ एक्स लिखो, यहाँ पे वाई लिखो, ठीक है ना, इस तरह से हम करेंगे इसको, ठीक है। सो यहाँ पे हम लिखेंगे वाई की वैल्यू क्या है 1, 2, 3 और एक्स की वैल्यू कितनी स्टूडेंट 0, 1, 2, है ना। नाउ इसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस तरह से खत्म कर देंगे ना, यहाँ आ जाएगा लास्ट में टोटल, यहाँ भी हम लिख देंगे टोटल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको पी एक्स वाई की वैल्यू ये दे रखी है स्टूडेंट, है ना। अब क्या करो, आपको इन सब की वैल्यूज उठा उठा के यहाँ रखनी पड़ेगी, है ना। तो देखो जहाँ पर एक्स है वहाँ 0, जहाँ वाई है वहाँ 1 रखो, तो जहाँ पर एक्स है वहाँ 0, जहाँ वाई है वहाँ 1 रखेंगे तो स्टूडेंट 3k आएगा इसकी वैल्यू, क्या आएगी 3k। अब जहाँ पर एक्स है वहाँ 0, जहाँ वाई है वहाँ 2 रखोगे तो 6k आएगा, देन ये रखेंगे तो क्या आएगा 9k आएगा, राइट। इस टाइप से 1 और 1 रखेंगे, 1 और 1 रखेंगे स्टूडेंट ये होगा 5k, 1 और 2 रखेंगे तो ये आएगा 6 और 2 7k, देन 1 और 3 रखेंगे तो 9 प्लस 2 11k, देन यहाँ रखेंगे 2 और 1 तो 4 और 3 कितना आएगा स्टूडेंट 7k, है ना, 4 और 3 7, 2 रखेंगे तो ये आएगा 4 और यहाँ रखेंगे 2 तो 6, 6 और 4 कितना आएगा स्टूडेंट 10k, देखो यहाँ पे रखेंगे हम 2 तो ये 4 हो जाएगा और ये 2 रखेंगे तो ये 10k, देन यहाँ रखेंगे हम 2 तो ये 4 और ये रखेंगे 9, सो 4 प्लस 9 कितना आएगा स्टूडेंट 13k आएगा ना। तो इस तरह से हम इस टेबल को कंप्लीट करेंगे। अब स्टूडेंट सबको ऐड करना है आपको यहाँ पे, तो ऐड कर दीजिए कितना आएगा 6 और 3 9, 9 और 9 कितना हो जाएगा 18k, यहाँ पे भी इसको ऐड करिए तो 18 प्लस 5 23k, देन यहाँ भी इसको ऐड कर लीजिए तो ये आएगा 7 30k स्टूडेंट, यहाँ भी आप इसको ऐड कर लीजिए इस तरीके से, है ना, 5 और 3 8 और 7 15k, देन ये आएगा आपके पास 6 और 6 12 और 13 23k, देन इसको ऐड करेंगे तो 13 और लाइक 14, है ना, लाइक इन दोनों करेंगे तो 20 और ये 33k। अब इसको ऐड करिए आप तो ये आएगा 3 और 2 5 और 5 और 6 एंड देन 72k आएगा यहाँ पे इसकी वैल्यू, टोटल वैल्यू कितनी आएगी 72 का स्टूडेंट। यहाँ भी हम इसको ऐड करेंगे तो 3 और 3 6 6 और 5 कितना हो रहा है यहाँ पे 23, दैट इज 33, 36, 36 और ये आएगा 36 और 46, 56, 56 और 5, 56 और 5, ये शायद मेरे से कुछ मिस्टेक हुई है। यहाँ पे इसकी वैल्यू 8k आएगी क्योंकि आप जब x की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 रखेंगे तो ये 2 आएगा और 2 रखेंगे तो 6, 6 और 2 8k आएगा, तो जैसे 8k आएगा तो स्टूडेंट यहाँ पे ये 24 आएगा और यहाँ पे भी ये 24 आएगा, नाउ इट इज वैल्यू, नाउ इट्स वैल्यू इज 72k, है ना, अब ये परफेक्ट आ रहा है। पर हम जानते हैं, मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में जब इससे पहले वाला वीडियो था उसमें बताया था कि यहाँ पे इसकी जो वैल्यू है वो क्या आनी चाहिए 1 आनी चाहिए, तो जैसे ही हम देखेंगे तो स्टूडेंट हम जानते हैं 72k इज इक्वल टू 1 होता है, तो k की वैल्यू क्या होगी 1/72। तो आपसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k, तो k इज इक्वल टू कितना आएगा 1/72 आएगा। अब आपसे पूछ रहा है मार्जिनल पीएमएफ ऑफ एक्स, है ना, तो मैं यहां बताता हूं मार्जिनल PMF of x and y, तो मैं x और y की वैल्यू निकालता हूं, यहां हम बात करेंगे सबसे पहले x की और ये आएगा हमारे पास पी एक्स एक्स, और यहां हम बात करेंगे y की और यहां लिखेंगे हम पी वाई वाई, राइट। अब बात करते हैं, देखिए आप x
एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी स्टूडेंट, 0, 1, 2 है ना। नाउ अब आपको इसका मार्जिनल पीएमएफ ऑफ एक्स लिखना है, तो स्टूडेंट ये एक्स की वैल्यू और फिर इसकी टोटल लिख दो, इसकी टोटल इसके सामने लिख दो और के की वैल्यू रख दो, के की वैल्यू कितना 1/72, तो स्टूडेंट यहाँ पे 18/72, 24/72, 30/72 होगा। तो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 18/72 है ना, फिर क्या आएगा 24/72 और ये कितना आएगा 30/72। तो दिस इज मार्जिनल पीएमएफ ऑफ एक्स। नाउ मार्जिनल पीएमएफ ऑफ वाई की बात करते हैं, तो क्या आएगा ये 1, 2 और 3 स्टूडेंट यहाँ पे इसका जो टोटल है वो इसके सामने लिखा हुआ है, यहाँ पे लास्ट में है ना टोटल लिखा हुआ है ये, तो यहाँ पे के की जगह 72 रख दो 1/, तो ये आएगा 15/72 है ना, देन ये आएगा 24/72, देन ये इसकी वैल्यू आएगी 33/72। तो इस तरह से हम इसका मार्जिनल पीएमएफ ऑफ एक्स और वाई निकालते हैं। अब स्टूडेंट आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, कंडीशनल पीएमएफ ऑफ एक्स है ना गिवन, मैं यहां लिख देता हूं गिवन वाई इज इक्वल टू 1 और हम यहां निकालेंगे इसको, मैं एक्चुअली इसको ऐसे कर देता हूं है ना। नाउ कंडीशनल पीएमएफ ऑफ वाई गिवन एक्स इज इक्वल टू 1 है ना, तो लाइक हमें इनकी वैल्यू एक्स इज इक्वल टू 2 राइट, तो हम यहां पे इसकी वैल्यू निकालेंगे स्टूडेंट। तो देखिए आप क्या करेंगे, इसकी बात करते हैं हम लोग, तो हमें क्या करना है कंडीशनल पीएमएफ निकालना, तो एक्स का निकालना, तो यहाँ एक्स आएगा एज इट इज और यहाँ आएगा हमारे पास किसका निकालना एक्स जब वाई की वैल्यू कितनी देर की 1, तो वही एक्स की वैल्यू तो आप सीधे लिख दीजिए 0, 1, 2। नाउ अब बात करते हैं वाई इज इक्वल टू 1 पे निकालना है, तो ये एक्स का निकाल रहे हैं और वाई इज इक्वल टू 1 कहाँ रहा है स्टूडेंट, यहाँ रहा है दिख रहा है ये यहाँ रहा है ना, तो कुछ नहीं करना, इसको इससे डिवाइड करिए, इसको इससे डिवाइड करिए, इसको इससे डिवाइड करिए, तो 3k डिवाइडेड बाय 15k, तो हमारे पास आएगी वैल्यू 3/15, देन 5/15, देन 7/15। तो ये हमारा क्या होगा कंडीशनल पीएमएफ ऑफ एक्स गिवन वाई इज इक्वल टू 1। अगर आपसे बोले कि कंडीशनल पीएमएफ ऑफ एक्स गिवन वाई इज इक्वल टू 2, तो वाई इज इक्वल टू 2 का ये आ रहा है, तो 6/24, 8/24 एंड 10/24 होगा, बहुत सिंपल है ना। नाउ कंडीशनल पीएमएफ ऑफ वाई गिवन एक्स इज इक्वल टू 2, तो कंडीशनल पीएमएफ ऑफ वाई है ना गिवन एक्स इज इक्वल टू 2, तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या होगा पी वाई और यहाँ पे नीचे लिख देंगे एक्स इज इक्वल टू 2, तो स्टूडेंट एक्स इज इक्वल टू 2 कहाँ आ रहा है पहले ये देख लो, तो ये एक्स है ये 2 ही रहेगा, ये यूं आ रहा है दिख रहा है ये यूं, तो कुछ नहीं करना, इसको इससे डिवाइड करना है, इसको इससे डिवाइड करना है, इसको इससे डिवाइड करेंगे, तो स्टूडेंट हमारे पास पहली बात वाई लिख देता हूँ, वाई क्या आएगा हमारे पास 1, 2, 3, अब इसको इससे डिवाइड करिए तो कितना आएगा 7/30, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 10/30 और इसको इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी आएगी 13/30। तो इस तरह से हम कंडीशनल पीएमएफ ऑफ एक्स और कंडीशनल पीएमएफ ऑफ वाई और मार्जिनल पीएमएफ ऑफ एक्स और मार्जिनल पीएमएफ ऑफ वाई निकालते हैं और के की वैल्यू इस तरह से हम निकालते हैं, सिंपल इन सब की वैल्यू रखी, इन सबको लास्ट में टोटल करके बराबर 1 रख देंगे, तो यहाँ से के की वैल्यू 1/72 निकल जाएगी। स्टूडेंट एक लास्ट क्वेश्चन और है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स प्लस वाई, तो ये कैसे निकालते हैं ये एक बार मैं आप लिख लीजिए फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। सो स्टूडेंट एक लास्ट और जो क्वेश्चन था वो ये है कि द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स प्लस वाई, तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स प्लस वाई क्या होता है, एक्स प्लस वाई हैव यहाँ पे क्या हो रहा है जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई और एक्स प्लस वाई की बात करें तो इन दोनों को जोड़े हम लोग तो लाइक क्या हो सकता है इसका जो सम हो सकता है वो 1 आएगा 2 आएगा 3 आएगा 4 आएगा और 5 आएगा, मैक्सिमम सम कितना आ सकता है 3 और 2 5 आ सकता है। अब सम किस किस केस में 1 2 3 4 5 आएगा मैं आपको बता दूं, सबसे पहले अगर सम 1 कब आएगा जब एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू 1 हो, जब x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू क्या हो यहाँ पे 1 हो, तो उस वाले केस में इसका सम कितना आएगा 3k आएगा और मैं आपको इसकी प्रोबेबिलिटी भी यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आए है ना, ताकि आपको समझ में आए, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी स्टूडेंट वो कितनी आएगी लाइक पी एक्स कोमा वाई है ना, तो यहाँ पे 0 और 1 वाले केस में इसकी वैल्यू कितनी है यहाँ पे 3k है। नाउ अब बात करते हैं सम 2 कब आ सकता है, तो सम 2 कब आ सकता है 0 और 2 हो या फिर 1 और 1 हो, तो इस वाले केस में जब 0 और 2 हो तब इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 6k और इस वाले केस में इसकी वैल्यू कितनी 5k, तो इसकी जो टोटल प्रोबेबिलिटी होगी कितनी होगी 11 हो जाएगी है ना, इज इक्वल टू 11k राइट। नाउ अब 3 वाली बात करते हैं, तो 3 कब हो सकता है 0 3 1 2 और 2 1, तीन केस बनेंगे है ना, तो सबसे बात करते हैं 0 3 0 3 में इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 9k, 1 2 में इसकी वैल्यू कितनी है 1 और 2 तब इसकी वैल्यू कितनी है 8k और 2 1 2 और 1 में इसकी वैल्यू कितनी है 7k। स्टूडेंट इन सबको ऐड कर दीजिए आप है ना, तो ऐड करेंगे तो ये कितना आएगा 24k इसकी टोटल वैल्यू आएगी राइट। अब 4 कब हो सकता है, देखो 4 कब हो सकता है, एक तो 1 और 3 वाले केस में होगा और एक 2 और 2 वाले केस में होगा है ना, दो केस होंगे तो 1 और 3 है ना, तो 1 और 3 वाले केस में इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 1 और 3 वाले केस में, 1 और 3 वाले केस में इसकी प्रोबेबिलिटी 11k
कैसे है? देखो 11 के राइट, और 2 और 2 वाले केस में, तो 2 और 2 वाले केस में कितने आ रहा है, 10 के आ रहा है स्टूडेंट। यहां से इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 21 के, है ना। नाउ 2 और 3, ये 2 है और ये 3 है, ये कितना आएगा, 13 के। तो इस तरह से हम इसको लिखेंगे। तो स्टूडेंट मैं यहां लिख देता हूं इसको, है ना, ये z हमारे पास क्या है, z इज इक्वल टू x प्लस y। तो यहां पे इसकी जो करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी होगी वो हम यहां लिखेंगे। तो वही क्या रहा है, x प्लस y कितना रहा, यहां रहा 1, 2, 3, 4, 5, है ना। ना 1 की प्रोबेबिलिटी कितनी, 3 के, और k की वैल्यू कितनी थी अभी, 1/72 निकाली थी हमने। तो यहां से इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 3/72। नाउ इस वाले केस में, 2 वाले केस में इसकी वैल्यू कितनी आ रही, 11 आ रही, तो 11/72। 3 वाले केस में कितनी आ रही, 24/72। इस वाले केस में कितनी आ रही, 21/72। और 13 क्या आ रहा, दैट इज 13/72। तो इस तरह से हम इसकी क्या करते हैं, यहाँ पे प्रोबेबिलिटीज निकालते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो हमारे पास दे रखा है वो कितना दे रखा है, x प्लस वाई इज इक्वल टू जेड। ये इसकी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी होगी डिस्ट्रीब्यूशन की। तो स्टूडेंट बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है जो मैंने आपको यहाँ समझाया कि जब x प्लस वाई होगा तब इसकी वैल्यू क्या होगी। स्टूडेंट एक लास्ट एक और कंसेप्ट बताने वाला हूँ स्टैटिकल इंडिपेंडेंस का। कभी कभी आपसे ये पूछ लिया जाए कि ये आपस में एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है या नहीं है, तो वो मैं आपको समझाता हूँ, फिर इस टॉपिक को खत्म करते हैं। तो स्टूडेंट कभी कभी यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि लाइक यही सेम क्वेश्चन मैंने लिया और यहाँ पे पूछ लिया फाइंड द वैल्यू ऑफ के, और आपसे पूछे आर एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट, तो क्या यहाँ पे एक्स और वाई इंडिपेंडेंट है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम जानते हैं इन सबकी वैल्यू हम यहाँ रखेंगे, लाइक 0 और 1 सबको रखे हम यहाँ के निकाल देंगे। फिर लास्ट में इसकी जो टोटल वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है, 1 के बराबर होती है। तो हम जानते हैं यहाँ पे कितना आएगा, 72k = 1। तो k की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, 1/72k। नाउ हम क्या निकालेंगे यहाँ पे, मार्जिनल PMF ऑफ एक्स, एंड यहां निकालूंगा मैं मार्जिनल PMF ऑफ वाई, दोनों निकाल लेते हैं ना। तो यहां बात करते हैं हम, ये x आ जाएगा और यहां पे हमारे पास वैल्यू आएगी PXX, है ना। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है, यहां पे देखो 0, 1, 2, और यहां पे y की जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है, PYY, है ना। तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 1, 2 और 3, है ना। नाउ कितना आएगा, देखो PXX, है ना। तो PXX की वैल्यू क्या आएगी, जब 0 है तब इसके सामने वाली कितनी आएगी, 18 के, 24 ये। तो K की वैल्यू रख दीजिए आप, तो ये आएगा 18/72। 1 पे आ रहा है 24/72, और 2 पे इसकी वैल्यू आ रही 30/72, राइट। ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, है ना। नाउ अब बात करेंगे 1, 2, 3 पे, इस पे, है ना। तो ये 1, 2, 3 इसके जस्ट सामने वाली दे रखी है, इसकी कितनी रखी है, 15/72। देन ये आएगा 24/72, देन ये आएगा हमारे पास 32/72, राइट। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास। अब आपसे पूछा जा रहा है कि क्या यहाँ पे आर एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट, तो हम बाय डेफिनेशन वी नो दैट, बाय डेफिनेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, तो क्या होता है, देखिए यहाँ पे पी एक्स वाई एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू पी एक्स एक्स पी वाई वाई के बराबर होता है, राइट। ये हमारे पास बराबर होता है। तो कोई भी एक वैल्यू चेक कर लीजिए आप। तो मैं सबसे पहले यहां निकालता हूं LHS में, किसकी वैल्यू निकालता हूं, पी एक्स वाई मैं निकालता हूं यहां पे 0, 0, 1 की वैल्यू निकाल दीजिए आप, है ना। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये किसके बराबर होगा, पी एक्स 0 और पी वाई 1 के बराबर होगा, है ना। अगर ये दोनों बराबर आ जाते तो यहां पे x और y क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा। पर हम स्टूडेंट यहां पे सबसे पहले पी एक्स वाई 0, 1 की वैल्यू निकालते हैं। तो पी एक्स वाई 0, 1 की वैल्यू किसके बराबर, 3 के। 3 के का मतलब होता है 3/72। नाउ अब पी एक्स 0 की वैल्यू निकालते हैं, तो पी एक्स 0 हमने यहां निकाल रखा, पी एक्स की वैल्यू जब 0 है तब यहां से इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 18/72। और पी वाई 0 पी वाई 1 की जो वैल्यू है, जब y की वैल्यू 1 है तब इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 15/72। स्टूडेंट हम यहाँ पे निकालेंगे पी एक्स 0 पी वाई 1, है ना, और दोनों को हम ऐड करेंगे तो यहाँ आएगा 18/72 इंटू 15/72, है ना। तो यहाँ पे कितनी बार जाएगा, देखो 4 times जाएगा, और 4 times जाएगा। अब यहाँ पे एक और कुछ कैंसिल हो रहा है, 5 से तो कैंसिल हो नहीं रहा है, है ना। चलो 3 से कैंसिल कर सकते हैं, तो 5 3 ज़ा, है ना, और इसको 3 से कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा, 3 2 1 4, तो ये आएगा 5/5। लाइक मैं इसकी वैल्यू निकालूंगा, है ना, तो हमारे पास वैल्यू आएगी ये 5/24, 4 4 6, है ना, 16 and 4 2 8 और 96, है ना। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू 3/72 आ रही है, इसकी वैल्यू 5/96 आ रहा है। तो आप देख रहे हो एक्स वाई 0, 1 इज नॉट इक्वल टू पी एक्स 0 पी वाई 1, सो
x and y are not independent, है ना। तो कोई भी दो नंबर्स ले लीजिए, अभी मैंने 01 लिया, आप 02 ले सकते हैं ना। तो 02 का जो वैल्यू आएगा है ना, वो आप चेक कर लीजिए, फिर दोनों अलग अलग करके इसको मल्टीप्लाई करिए, दोनों की वैल्यू क्या आनी चाहिए। लाइक इसका जो जॉइंट पीएमएफ है और इसका मार्जिनल पीएमएफ का प्रोडक्ट, दोनों क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए उस पॉइंट पे। अगर सेम आता है तो इंडिपेंडेंट है, अगर सेम नहीं आता है तो वो इंडिपेंडेंट नहीं होता, और यहाँ पे सेम नहीं आ रहा। सो ये दो, ये इसकी वैल्यू और इस दोनों के प्रोडक्ट की वैल्यू सेम नहीं आ रही। यहाँ से इसकी वैल्यू 3/72 आ रहा, वहाँ से 5/96 आ रहा। सो बोथ आर इंडिपेंडेंट, बोथ आर नॉट लाइक इंडिपेंडेंट, दे आर डिपेंडेंट, ठीक है। सो इस तरह से इस टाइप के कंसेप्ट को हम सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज, बने रहिए मेरे साथ, आपके कमेंट्स मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं, और मैं बहुत जल्दी लाइव क्लासेस भी आपके साथ स्टार्ट करने वाला हूँ, जहाँ पे हम CSR नेट गेट और IITJEE को मैं लेके चलूंगा। सो थैंक यू सो मच, बने रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले, सो देट कि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। स्टूडेंट लास्ट में मेरी प्लेलिस्ट है, और यहाँ जाके आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।